वेलकम गैलेक्सी स्कॉलर्स टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर असाइनमेंट एक्सप्लेनेशन। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैड कवर्ड अबाउट योर सेक्शन सी एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बिगेन विथ आवर सेक्शन बी इन विच देर इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड पंचुएशन इज ऑल्सो देर एंड द एरर एंड करेक्शन भी है, जिसमें कि आपको पहचानना रहता है कि कौन सा इन सेंटेंस में कौन सा पार्ट में मिस्टेक है, उसको आपको डिटेक्ट करना है और उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो सबसे पहला चीज, रेक्टिफाई द एरर इन द गिवन पैसेज। तो आपको एक पैसेज दिया है, उसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से मिस्टेक्स है, और मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका सही आंसर लिखना है। तो पहला है, ब्रिंग दिस वाटर टू योर ग्रैंड फादर। तो देखो, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना रहता है। और यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक तरीके से आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में ऐसा कहा जा रहा है कि अपने जो बॉटल है, जो वाटर को कहाँ ले जाओ, अपने दादा के पास ले जाओ। तो टेक आएगा, ब्रिंग का क्या आ जाएगा, टेक आएगा। तो यहाँ पे आपका जो मिस्टेक है, जो एरर है, वो क्या है, ब्रिंग है। और आपको ब्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है, आपको टेक में। ये आपका एरर है और ये आपका करेक्शन है। ओके, नेक्स्ट, द टीचर वाज इम्प्रेस विथ आई। यहाँ पे प्रोनाउन का मिस्टेक है, ठीक है, आपका आई नहीं आएगा, मी आएगा। ओके, तो जो टीचर थी मुझसे इम्प्रेस हुई थी और मार्क से, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। थर्ड, You have to admit that, आपको ये admit करना है, ये accept करना है, that it is more cold now than it was 10 days back। तो 10 दिन से पहले बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है। तो आपको ये accept करना है, तो यहाँ पर colder आएगा, because comparison किया गया है, तो cold का क्या आ जाएगा, colder। Next हम देखेंगे, I did not meet nobody in this house today। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस देखी, आई डिड नॉट मीट nobody, ठीक है, nobody, यानी कि आप यहाँ पे मिस्टेक दिख रहे हैं कि एक तरीके से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, यस, nobody का anybody, यस। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, nobody का anybody, मैं किसी से नहीं मिला, ठीक है, किसी से भी नहीं मिला, तो आपका nobody का anybody। नेक्स्ट देखेंगे, माय मदर हैज रिसेंटली जॉइंड अ न्यू वर्क। फिर यहाँ पे आपका मिस्टेक जॉइंड है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, जॉइन में। ये आप टेंस पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे एरर है। सी इज गुड पर्सन, एवरी नेबर्स लाइक हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लाइक्स आएगा, क्या आएगा, लाइक्स, बिकॉज सी यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे लाइक, लाइक्स। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। फाइन, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको FIV जैसा दिया है, वहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आर्टिकल फिल करना है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, ये सब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है और आपको आंसर बताना है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, तो ट्रीज जो था उनके तरफ आ रहा था, क्लियर है। डैश देन स्टॉप्ड, द बस रीच देम सिंपली, हम पहले एक बार रीड कर लेते हैं। स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ अ डैश रोड, डैश रशिंग एवरी अवे डैश द अदर डायरेक्शन। नाउ अनदर थिंग इज द सेलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच में से पूछा गया है, सिमिली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन करा ही नहीं गया है, मेटाफॉर है, क्लियर है मेरी बात। अब जो सेकंड है, प्राइड गोथ फोर्थ और हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसीलिए उसको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, पर्सोनिफिकेशन में, क्लियर है मेरी बात। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं मेजर। अब आपको आंसर द फॉलोइंग आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो सर, थैंक यू।